हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि ठीक होगे बेटा। आज हम क्लास फर्स्ट की वीडियो नंबर हम सेकंड स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3.2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टाइम के बारे में। आप टाइम अच्छे से देख पाओगे। नॉर्मली से जो करेक्ट टाइम जो होता है, जो मिनट नहीं होता, सिर्फ जो हावर वाला होता है, घंटे वाला, वो आप इजली से बता सकते हो। छोटी सुई अगर 12 पे मतलब कि होगी, सॉरी, बड़ी सुई जब 12 पे होगी और छोटी वाली सुई किसी भी नंबर पे होगी तो उतने ही बज रहे होंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर छोटी सुई 3 पे है और बड़ी सुई भी 12 पे है तो करेक्ट कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको क्लास फर्स्ट की वीडियो फर्स्ट की थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे 3.2 की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट अ वीक इन मोनिकास लाइफ। आज हम मोनिका की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि मोनिका मंडे को क्या करती है, ट्यूजडे को क्या करती है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था, मोनिका के बारे में पढ़ेंगे आज, मोनिका की लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। ठीक है, मंडे को मोनिका क्या करती है? स्टडी करती है। ट्यूसडे को डांसिंग, वेनसडे को स्विमिंग, थर्सडे को सिंगिंग, फ्राइडे को खेलती है वो, और सैटरडे को पेंटिंग करती है, और संडे को क्या करती है वो? पेरेंट्स के साथ मार्केट जाती है। तो ये कुछ पिक्चर के साथ आपको डेज बताए गए थे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा था? डेज ऑफ वीक। ठीक है स्टूडेंट, डेज ऑफ वीक। आपको पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं? कितने होते बेटा? 7 होते हैं। और आपको नाम भी पता होने चाहिए। चलो एक बार मैं नाम आपको रीड करवा देती हूँ, जो हमारे वीक के अंदर जो नेम होते हैं। मंडे होता है, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डे के बाद कौन सा डे आता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोनिका ने कौन कौन से दिन क्या क्या करना चाहा था। ठीक है स्टूडेंट, ऑन विच डे इज मोनिका। ओके स्टूडेंट, तो डांसिंग किस दिन की थी उसने? आपको मैंने बताया था ना, डांसिंग पीछे देखते हैं, डांसिंग उसने की कब की है? ट्यूसडे को। डांसिंग कब की है? ट्यूसडे को। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ट्यूसडे को हम मोनिका की डांसिंग फिल करेंगे। TUESDAY, ट्यूजडे। ओके स्टूडेंट, ये है ट्यूजडे। गोइंग आउट विथ हर पेरेंट्स, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कब बाहर जाती है? आपको बताया था ना, संडे। किस दिन जाती है? संडे को। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बेटा? फिल करेंगे हम संडे करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे करेंगे हम संडे, SUNDAY, संडे। फिर है पेंटिंग, कब करती है वो? पेंटिंग करती है सैटरडे को। किसको? सैटरडे वाले डे, दिन वाले दिन, डे जो है कौन सा है? सैटरडे। तो सैटरडे हम फिल करेंगे। मैंने देखो आपको 3 पॉइंट फिल करवा दिए, बाकी का आप खुद से करोगे। सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। ये हमारा हो गया सैटरडे, बाकी के दिन आप खुद से फिल करोगे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आंसर करने हैं हमें। ओके, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? फर्स्ट डे ऑफ द वीक मतलब कि जो वीक है, सप्ताह है जो, उसका सबसे पहला दिन कौन सा होता? मंडे, MONDAY, मंडे। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट है विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक? लास्ट डे कौन सा होता है हमारा? संडे, SUNDAY, संडे। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट, विच डे कम्स आफ्टर मंडे? आफ्टर माने बाद में, मंडे के बाद कौन सा आता? ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 कंप्लीट कर दिया, करवा दी है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, विच डे कम बिफोर वेनसडे, तो ये आप खुद से करोगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।